हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडिंग वाईटी पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर एक मेगा गिव अवे चल रहा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप उसे आई बटन से भी देख सकते हैं, मैं उसे आई बटन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, उसमें ज़रूर पार्ट लीजिएगा, बिल्कुल फ्री गिव अवे है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल पेंडुलम बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ गाइस, वर्ल्ड का सबसे सिंपल पेंडुलम बनाना सिखाऊंगा, जो कि सिर्फ 2 या 3 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पेंडुलम को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, बस हमें घर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी सिर्फ 2 या 3 चीज़ों की। तो हमारी फर्स्ट चीज़ जो है वो है हमें कि 2 प्लास्टिक की बोतल लेनी है और उनमें पानी भर लेना है सेम लेवल तक बिल्कुल। और एक ही साइज़ की होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी ली है क्योंकि मुझे इतनी ही बड़ी मिली थी। आप चाहे तो इनसे छोटी भी ले सकते हैं, जैसी भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड चीज़ की। तो सेकेंड चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक थ्रेड या रस्सी टाइप कुछ चीज़ की। तो मैंने यहाँ पर, मेरे पास ऊन थी, मैंने ऊन ले ली है थोड़ी सी, और हमें थोड़ी सी और रस्सी या ऊन जो भी आपके पास हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस, ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने ब्राउन वाली ऊन लिया है, इसके मैंने 2 पीस लिए हैं जो कि बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, और हमें सेम साइज़ के लेने हैं, वरना हमारा ये जो पेंडुलम है ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको इसे बनाना भी सिखा देता हूँ। दोस्तों, इस पेंडुलम को बनाने के लिए हमें सिंपली अपनी एक बोतल ले लेनी है और अपनी एक ऊन का पीस ले लेना है, और हमें ये ऊन जो है इसके ढक्कन के नीचे वाली जगह पे बांधना है, और ऐसा हमें दोनों बोतल के साथ करना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, इसके जो सेकंड स्टेप में मैंने जो हमारी रेड वाली जो ऊन थी उसे मैंने 2 जगह पर बांध दिया है, यहाँ पर और वहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि ये झुकी हुई क्यों है। तो ये झुकी हुई इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर बॉटल भी बांध दी है। तो बॉटल में मैंने ब्राउन वाली जो ऊन थी वो बांध कर इसमें बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड से बांध दी है बिल्कुल। तो चलिए अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। तो इसे चलाने के लिए मैं सिंपली एक बॉटल को पकड़ कर और थोड़ा सा आगे करके और छोड़ दे रहा हूँ। मैं दूसरी बॉटल को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ, और अब आप देखिएगा क्या मैजिक सा होता है मैजिक। तो आपने देखा, सिर्फ मैंने इस बोतल को आगे करके छोड़ा था, उस बोतल को मैंने छुआ भी नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं वो भी मूव करने लग गई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। तो जब मैं इस बोतल को आगे कर छोड़ता हूँ तो ये घूमती है धीरे धीरे आगे पीछे, और इसकी जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है वो इस ये जो है ऊन के थ्रू इस रेड वाली ऊन में जाती है, रेड वाली ऊन से दूसरी वाली बोतल की ऊन में जाती है और दूसरी बोतल में ट्रांसफर हो जाती है। अब देखिए धीरे धीरे। और दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही रिपीट होती रहती है कम से कम 1 या 2 घंटे तक, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है क्योंकि जो इसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है थोड़ी सी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाकर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, पिछले गिवअवे की वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गिवअवे का रिज़ल्ट कब आएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स का एम कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसी समय गिवअवे का रिज़ल्ट निकाल दूंगा। तब तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक और आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।